चलिए कुछ अलग तरीके से समझे कि सेब का बहुवचन क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं, ताकि आप सेब के बहुवचन शब्द को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और वहीं पर सेब की अगर बहुवचन की बात की जाए तो वह सेब होगा। यानी दोस्तों, सेब एक एकवचन शब्द होता है और सेब ही एक बहुवचन शब्द होता है। यानी दोस्तों, सेब का बहुवचन शब्द सेब स्वयं ही होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इसके बारे में कई बार कंफ्यूजिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि सेब किसे कहते हैं। सेब एक प्रकार का फल होता है जो कि पेड़ों पर उगता है और यह बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सेब का बहुवचन क्या होता है। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए कि सेब एक एकवचन शब्द होता है और सेब का बहुवचन शब्द सेब होता है। और इसे आप अच्छी तरह से समझने के लिए नीचे दिए गए वाक्य प्रयोग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि उसके पास अभी भी एक सेब है, यानी सेब एक एकवचन होता है, उसके पास बहुत सारे सेब मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों, सेब एक बहुवचन शब्द भी होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि सेब एक एकवचन शब्द होता है और सेब का बहुवचन शब्द सेब स्वयं ही होता है, और यह आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि सेब का बहुवचन क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।